हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू लॉजिक पाठशाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए फ्रेंड आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं तो हम जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर अप करेंगे विद साथ में हम रिविजन पोर्शन को भी करते चलेंगे तो चलिए मोटिवेशन कोर्ट से हम शुरू करते हैं आज के क्लास को failure is not the opposite of success it is part of success they failure को हम कहते हैं ना सक्सेस का ऑपोजिट जैसे हम ऑपोजिट वर्ड्स की बात करते हैं बट ये ऑपोजिट नहीं होता सक्सेस का इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस क्योंकि जब हम सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है असफलताओं का सामना करना पड़ता है लेकिन वो हमारी जर्नी का एक पार्ट है ये नहीं कि अगर आप फेल हो गए हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ सक्सेस आपको क्या करना है सिर्फ आप को अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाना है जो रास्ता आपने चुना है आपको सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते पे आगे बढ़ना है कोई भी आ, आपको प्रॉब्लम लगे कोई भी आपको डिमोटिवेशन लगे उसमें आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए फिर हम भी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैटलिन नोवाक इलेक्टेड फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हाल ही में देखिए ये प्रेजिडेंट पद के लिए चुनी गई हैं और ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है वहाँ की तो याद रखिएगा कंट्री कौन सी है राइट आंसर हो जाएगा हंगरी तो क्वेश्चन देखिए एक ना एक ज़रूर बनेगा जो भी प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं तो इनको आप लोग ज़रूर कवर करके जाएं तो ये बन गई है हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति देखिए इन्होंने सक्सीड किया है मतलब ये करेंगी जेनोस आर्डर को जिनका जो टर्म है वो दस मई को एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगी हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है हंगेरियन फोरेंट कुछ और हम लोग अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं जैसे गैब्रियल बोरिक ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चिले देश के एडाम बैरो जो है ये गाम्बिया देश के दूसरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट चुने गए शाफकत मिर्जियोब ये उज्बेकिस्तान के फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है मैगदेलना एंडरसन तो याद रखेंगे अगर कोई पहली बार इलेक्ट हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए इसके अलावा देखिए शेष रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है पेट्रोफियाला शेख सबा अल खालिद अल सबा ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए और जापान के फूमियो किशिदा जो है प्राइम मिनिस्टर इस बार बने तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे सेकेंड क्वेश्चन है देखिए हमारा इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 तो जो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है भारत की उसमें इस बार की रैंक क्या रही है तो याद रखिएगा 93 नंबर पे रहा है भारत इस बार टोटल इसमें वन नाइन वन सेवेंटी नाइन कंट्रीज थी जिसमें भारत की पोजीशन है नाइन्टी थ्री तो रैंकिंग से भी आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है तो अभी देखिए कुछ और टाइम के बाद मैं आपको रैंकिंग पे एक वीडियो करवा दूँगी जिसमें हम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स को कवर कर लेंगे इसमें देखिए ध्यान रखिएगा 93 इंडिया की रैंक है टॉप फाइव अगर हम एल यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं तो स्वीडन पहले नंबर पे है सेकंड डेनमार्क देन नॉर्वे कोस्टारिका एंड न्यूजीलैंड तो ये हैं टॉप फाइव कंट्रीज अच्छा इस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है तो देखिए स्वीडिश बेस्ड वी टेम ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 2014 में हुई और स्वीडन में इसका हेड क्वार्टर है तो ये भी याद रखिएगा कि रिपोर्ट अगर कोई इंडेक्स भी है तो उसे रिलीज कर कौन रहा है अगला देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स के ऊपर ही इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज जितनी भी डिजिटल शॉपिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र में भारत का रैंक कौन सा रहा है तो फ्रेंड इसमें भारत जो रहा है वो सेकंड नंबर पे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंट्रीज हैं पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है जिसका इन्वेस्टमेंट है फिफ्टी वन बिलियन यूएसटी। सेकंड पे इंडिया है जिसका इन्वेस्टमेंट है ट्वेंटी टू बिलियन यूएस थर्ड पे है चाइना और फोर्थ पे है यूनाइटेड किंगडम तो टॉप थ्री कंट्रीज आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है ठीक है फ्रेंड और इसको लंडन एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया चलिए हम कुछ और रैंकिंग्स को भी यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं जैसे अभी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो आई थी उसमें इंडिया की जो रैंक रही 43 नंबर की रही और इसमें टॉप कंट्री है यूएसए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट में भारत जो है तीसरे नंबर पे रहा टॉप कंट्री पे है चाइना ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट में भारत की रैंक रही फोर्थ नंबर की और इसमें टॉप कंट्री है सऊदी अरेबिया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी में भारत रहा फोर्टी सिक्स नंबर पे और इसमें टॉप कंट्री पे है नॉर्वे तो फ्रेंड आप लोग ज़रूर रिवीजन को भी करते चलें क्योंकि क्या होता है देखिए अब हमने ये रैंकिंग्स पढ़ी हैं तो आप लोग ऐसा हुआ होगा कि कुछ रैंकिंग्स हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं तो वो हमने दोबारा पढ़ ली तो क्या होगा आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगी तो ये बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ साइंड एन एम यू विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हाल ही में देखिए आई आई टी रुड़की ने ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो के साथ में एक एम साइन किया है अब ये भी बात करेंगे कि क्यों ये एम साइन किया गया है तो फॉर दी एस्टेब्लाइशमेंट ऑफ बी आई एस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर एट आई आई टी रुड़की तो बी एस आई मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए जो है ये एम ओ यू साइन किया गया है तो याद रखिएगा कि कौन से आईआईटी है आईआईटी रुड़की है इसके अलावा देखिए जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है यानी आराइज और आईआईटी रुड़की इन्होंने भी अभी एक, एक एग्रीमेंट साइन किया था टू फोस्टर कोलैबोरेशन एंड फैसिलिटेट द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इसके अलावा डी के साइंटिस्ट और आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट ने पहली बार सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का किस किस के बीच में प्रयागराज और विध्याचल के बीच में जो कि है उत्तर प्रदेश में आई रुड़की के द्वारा ही किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है तो ये सभी ध्यान रखेंगे ये कुछ आई से रिलेटेड न्यूज़ हैं अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच सिटी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बींग वॉज हेल्ड ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ना इसके ऊपर ये कहाँ पे आयोजित किया गया तो इसका आयोजन किया गया है श्रीनगर में तो राइट आंसर इज़ श्रीनगर अब इसको इनोग्रेट किसने किया है एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है तो देखिए याद रखिएगा सर्वनंदा सोनेवाल जिनके पास है आयुष पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री इनके द्वारा इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया उन्होंने ये भी घोषणा करी कि जो यूनानी चिकित्सा है यूनानी मेडिसिन है उसके रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाएगा तो इसके अनाउंसमेंट भी सर्वनंदा सोनेवाल जी के द्वारा की गई तो फिर यहाँ से देखो दो क्वेश्चन बनेंगे एक तो इनोग्रेशन किसने किया और कौन से शहर में किया गया ये दोनों आपको ध्यान रखनी है देखिए सर्वनंदा सोनेवाल जी की बात ही आई है तो इन्होंने अभी हाल ही में देखिए नागालैंड में आयुष हेल्थ केयर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए के डेवलपमेंट के लिए सौ करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करी इसके अलावा देखिए जो वाटर टैक्सी सर्विसेज़ है ये ट्विन सिटीज़ को कनेक्ट करेगी मुंबई और नवी मुंबई तो इसको भी ऑफ किसने किया सर्वनंदा सोनेवाल जी ने सर्वनंदा सोनेवाल जी के द्वारा इनाग्रेट किया गया द कंस्ट्रक्शन ऑफ असाम फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो कि असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चौब्या में कंस्ट्रक्ट की जाएगी तो इसका इनाग्रेशन भी सर्वनंदा सोनेवाल जी के द्वारा ही किया गया तो ये आपको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कौन सा रेलवे जोन है जिसने पहला गतिशक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल को चालू किया है तो ये कौन सा जोन हो जाएगा राइट आंसर इज ईस्टर्न जोन ठीक है आपको पता है जोन पे अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है जितने भी रेलवेज़ के जोन होते हैं कहाँ उनका हेड क्वार्टर्स है कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं तो इस पर आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की गई है आप लोग ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा यहाँ पर आपको सब बताया गया है तो देखिए पूर्वी जो ये ईस्टर्न रेलवे है ना ईस्टर्न रेलवे का जो आसनसोल डिवीज़न है उसने झारखंड के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की जो प्राइवेट साइडिंग है उसको सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है तो गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का ये पहला कमीशन है जो है जब से इसको पब्लिक किया गया है उसके बाद तो याद रखिएगा ईस्टर्न रेलवे जोन में इसको कमीशन किया गया अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क तो फ्रेंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है तो देखिए फ्रेंड अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण पाल गुर्जार तो कृष्ण पाल गुर्जार इनके द्वारा इसको क्या किया गया है इनोग लॉन्च किया गया है साथ ही में देखिए इसमें एक और मिनिस्टर का नाम भी याद रखिएगा इन ये भी इसमें ही शामिल है राजकुमार सिंह ये भी ध्यान रखिएगा इन दोनों के द्वारा ही जो है इसको लॉन्च किया गया है ठीक है अब बात करते हैं इसके बारे में स्मार्ट ग्रिड क्या होता है देखो स्मार्ट ग्रिड जो है एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता है विद ऑटोमेशन कम्युनिकेशन एंड आईटी सिस्टम्स के साथ में जो क्या करता है जो जितने भी कन्ज़पशंस uh, या कह लीजिए आप मॉनिटर uh, करता है ये उत्पादन के विंडोज से जो भी कंजप्शन होता है उसकी निगरानी कर सकता है तो इस ये uh, जो भी बिजली का फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सकता है और वास्तविक समय में उत्पादन से मेल खाने के लिए ये लोड को कम भी कर सकता है तो इसको अभी इसका जो नॉलेज सेंटर है इसको अभी इनोग्रेट किया गया है इसके अलावा कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए पावर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनवील किया गया है टॉल स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में मोदी जी के द्वारा ही पुणे मेट्रो जो रेल प्रोजेक्ट है इसे इनाग्रेट किया गया प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम को इनाग्रेट किया और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही राजभवन में नया दरबार हॉल को भी इनोग्रेट किया गया है तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपसे नाम पूछेंगे कि ये किसने इनोग्रेट किया या ये किसने इनोग्रेट किया तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए एज अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स युवा विज्ञान कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया है तो इसका जो आयोजन है वो इसरो के द्वारा किया गया है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है ये क्या काम करेगा देखिए ये प्रोवाइड करेगा बेसिक नॉलेज जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या स्पेस साइंस से रिलेटेड है तो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो रूरल एरियाज़ से बिलोंग करते हैं उनको अंतरिक्ष के बारे में जो भी नॉलेज है जो भी बेसिक नॉलेज है वो ये प्रदान करेगा इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यंग माइंड्स में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो रुझान होता है ना जानने की इच्छा होती है उसके बारे में जो है वो जागरूकता पैदा करना तो ये इसका मेन पर्पज़ है और इसी पर्पज़ को लेके ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है इसे इसरो के द्वारा शुरू किया गया है अब देखो ये जो प्रोग्राम है ना इसको यूवी का नाम दिया गया है यूवी का ठीक है और इस प्रोग्राम के लिए 150 स्टूडेंट्स जो कि स्टडी कर रही हैं क्लास नाइन्थ में आ, जो है उनको सिलेक्ट किया गया है अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स से और ये 16 मई से जो है स्टार्ट हो जाएगा और 28 मई तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चलेगा तो वही इसमें इंकरेज किया जाएगा स्टूडेंट्स को कि स्पेस की तरफ जो भी वो जानना चाहते हैं वो सभी उनके उनको बताया जाएगा अगला है इंडिया का पहला फुल्ली ओन्ड बाय वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क यानी ये पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही संचालित रहेगा महिलाओं का ही स्वामित्व रहेगा इस इंडस्ट्रियल पार्क को किस शहर में खोला गया है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड हैदराबाद में इस पार्क को ओपन किया गया है ये जो पार्क है इसको प्रमोट किया गया बाय द फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफ एल ओ तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोलैब करके इसको इस पार्क को प्रमोट किया गया है तो ये पूरी तरीके से महिलाओं के नियंत्रण में रहेगा और इसमें महिलाओं का पूरा स्वामित्व रहेगा जितने भी यहाँ पे वर्क होंगे जो भी चीज़ें होंगी वो वुमेन्स के द्वारा ही की जाएंगी नेक्स्ट है हमारा हाँ कौन से स्टेट ने स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग्स 2021 में टॉप पोजीशन हासिल करी है तो टॉप पोजीशन हासिल करी है किसने आंध्र प्रदेश राज्य ने सेकेंड पे रहा वेस्ट बंगाल तीसरे पे उड़ीसा एंड फोर्थ पे गुजरात आंध्र प्रदेश ने ऑल्सो देखिए पुलिस एंड सेफ्टी एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल डेवलपमेंट में भी टॉप पोजीशन हासिल करी है एक बार अगर हम पिछली बार की कंपैरिजन करें तो देखिए करंट की रैंकिंग ये 2021 वाली है पिछली है 2020 की तो पिछले साल भी आंध्र प्रदेश पहले पे रहा इस बार भी सेकेंड पर इस बार जो है वेस्ट बंगाल रहा जो कि लास्ट टाइम था थर्ड नंबर पर थर्ड नंबर पे इस बार जो उड़ीसा था वो लास्ट नंबर पे था एट्थ प्लेस पे तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके थोड़ा सा लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल सेम रखा है पहले भी फर्स्ट पे था अब भी फर्स्ट पे ही है बात आती है फ्रेंड आंध्र प्रदेश की तो देखिए आंध्र प्रदेश के सीएम एम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए सबसे ज़्यादा राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ से पूछा जाता है डांस में इम्पॉर्टेंट है नागार्जुन सैकर डैम जो कि कृष्णा रिवर पे है और श्री सैलम डैम जो कि कृष्णा रिवर पे ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आंध्र प्रदेश से तो ठीक है ध्यान रखिएगा इसके बारे में अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2022 टू तो किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया यानी या सबसे लंबे समय तक लिस्टेड रही है इस बुक का नाम है टॉम ऑफ सैंड ठीक है बुक का नाम ध्यान रखिएगा तो जो गीतांजलि श्री हैं उन्होंने इस बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया है ट्रांसलेट हिंदी नोवल टॉम ऑफ सेंट मतलब इसका जो ओरिजिनल सेट था ओरिजिनल था उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है गीतांजलि श्री ने पहली बार हुआ है देखिए दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम जब किसी हिंदी उपन्यास का अनुवादित पार्ट को यानी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को जो है इतने लंबे समय तक लिस्टेड किया गया है तो याद रखिएगा इस बुक का नाम ध्यान रखेंगे टॉम ऑफ सेंट और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको गीतांजलि श्री के द्वारा ट्रांसलेटेड किया गया है इसके अलावा देखिए कुछ और न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ जैसे अनुकृति उपाध्याय इन्होंने अभी सुशीला देवी अवार्ड जीता फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन फॉर हर क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवल किन्स हुगी के लिए तो इसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है एक बायोग्राफी अभी आई थी नायोरजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जिसको दीनयार पटेल ने लिखा था और इन्होंने इसके लिए फोर्थ कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2021 जीता है तो कोई भी अगर बुक से रिलेटेड प्राइस है ना तो उसमें आपको बुक का नाम ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकती हैं इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने एक बुक लॉन्च करी है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट इस बुक को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है तो राइट आंसर इज भूपेंद्र यादव तो भूपेंद्र यादव देखिए इनके पास एक तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है इनके पास एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी है तो इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है आ, इस बुक में देखिए बारह आर्टिकल्स कंटेन है जो कि लिखे गए हैं जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो एकेडमिशियंस हैं यानी जो चिकित्सक हैं शिक्षाविद हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी की भारत की जो विकास जर्नी रही है उसमें लेबर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इसके ऊपर लिखा गया है इसमें और वी वी ग्री नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया अगली देखिए एक और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ऑन बोर्ड माई ईयर इन बी सी सी आई ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है तो बस आपको वन लाइनर में ये ध्यान रखना है कि बुक लिखी किसने हैं शेट्टी देखिए मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद ये बीसीसीआई के पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने थे इस बुक को शरद पवार ने रिलीज़ किया है जो कि एम के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के भी रही हैं ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल के भी रही हैं तो शरद पवार ने इस बुक को रिलीज़ किया है हाल फिलहाल की कुछ और बुक्स को अगर हम रिवाइज़ करें तो देखिए द मिलेनियल योगी अब ये तो बुक रटी गई होगी दीपम चटर्जी ने लिखी फियरलेस गवर्नेंस किरण वेदी जी के द्वारा लिखी गई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये तुहिन ए शर्मा और इसकी को ऑथर्ड है अंकित वर्मा अंकिता वर्मा बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकनवीनियंट नेशनलिस्ट ये बुक लिखी है चंद्रचूर घोष के द्वारा तो फ्रेंड आपको बुक एंड ऑथर की तो वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है जिसपे हमने ट्रिक्स से याद करी है और बुक्स ऑथर की आपको एक अलग से प्ले है आप वहाँ पर चेक कर सकती हैं अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे को अपॉइंट किया गया है ये 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और ये साथ ही में ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद से भी रिटायर्ड हैं इसके अलावा देखिए एल म्यूचुअल फंड ने मिस्टर टी एस रामाकृष्णन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ सी अपॉइंट किया है दिनेश प्रसाद सकलानी ये एन के नए डायरेक्टर बने हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम फाउंडर जो हैं विजय शिखर शर्मा उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है अगला क्वेश्चन है हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट जितने भी घरेलू क्रिकेट हैं उन सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा भी हाल ही में करी है एस श्री के द्वारा ठीक है इनके द्वारा भी अनाउंसमेंट करी अपने रिटायरमेंट की इन्होंने 27 टेस्ट मैच खेले हैं और 53 थ्री ओडीआई खेले हैं भारत के लिए जिसमें उन्होंने 87 और 75 विकेट्स लिए यानी टेस्ट मैचों में लिए हैं 87 विकेट्स और ओडीआई मैचेस में लिए हैं सेवेंटी फाइव विकेट्स लिए हैं ठीक है और इन्होंने 10 टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सात विकेट भी लिए हैं ये आप लोगों से नहीं पूछेंगे कि कितने इन्होंने विकेट लिए हैं इतना आप लोग चिंता मुक्त रहिए पर ध्यान रखिएगा इनके बारे में चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज के हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं कुछ पुराने करंट अफेयर्स को अब हम रिवाइज़ करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल के करंट अफेयर्स मैं आशा करती हूँ कि आपको याद होंगे और मैं उसको क्विज फॉर्म में आपको दे दिया करूँगी चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप इंडिया और कौन सा देश है जो कि मोस्ट वलरेबल के में है टू क्लाइमेट चेंज तो दूसरे देश का नाम क्या है पाकिस्तान इसके बाद देखिए कौन से स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में तीसरी यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन वेदर सेटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि खतरनाक वेदर को ट्रैक करेगा ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा उसका नाम रखा गया है जी ओ एस टी यानि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सेटेलाइट विच आई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने मिलकर कंडक्ट किया है ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस तो आईआईटी मद्रास इसके बाद देखिए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसके बाद देखिए तीसरा जो एन टेक कॉन्क्लेव है इसका इसकी हमें थीम बतानी है तो इसकी थीम रखी गई है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट और इसको अगर बात करते हैं इनोग्रेट किसने किया है ये भी ध्यान रखेंगे अश्विनी वैष्णव ने इसको इनोग्रेट किया न्यू दिल्ली में टाटा मोटर्स ने एक मोबाइल शोरूम शुरू किया है और उस मोबाइल शोरूम का नाम रखा है अनुभव नेक्स्ट है हेरात नाइट ऑफ हरा जिसको बोला जाता है जनरली महाशिवरात्रि के नाम से भी इसको जानते हैं ये कौन से स्टेट या यूटी का मेन फेस्टिवल है तो फ्रेंड राइट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर नेक्स्ट है विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मिलेगा तो उस का नाम है अरुणाचल प्रदेश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी कौन से बैंक के साथ में टू लॉन्च द इंडियन ऑयल को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में साझेदारी करने की घोषणा की गई है अगला है जेट एयरवेज लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा कौन सी कंट्रीज़ के एथलीट्स को बैन कर दिया गया 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक से पैरालंपिक से तो रशिया और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है किसके द्वारा किया गया वो भी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने किया अगला है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इसकी शुरुआत देखिए हो गई है कौन से देश में ये खेला जा रहा है तो न्यूजीलैंड में जो है इस को खेला जा रहा है तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी क्वेश्चन और रिवीजन हो गया है कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो किसने लिखा तो प्रेम बहारी नारायण इनके द्वारा जो है लिखा गया और इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है ये कनाडा से रिलेटेड है ठीक है तो फ्रेंड आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे आंसर करे हैं और आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिलती है आप इतने अच्छे कॉमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे कॉमेंट हैं माधुरी नागिंद्र बाबू अंकित कुमार एंड सिमरन का तो प्लीज फ्रेंड्स करें चलिए आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है बायोग्राफर ऑफ अकबर यानी अकबर का जीवनी लेखक कौन है इनके जीवन पे जो लिखा गया है वो किसने लिखा है तो ये बताइएगा सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट रूरल ऑफ पांड्या डायनेस्टी तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं मैं आशा करती हूँ कि आज का भी पूरी वीडियो आपकी मज़ेदार रही होगी अच्छी रही होगी और अच्छे से आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें मेहनत करेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो